हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं आज यहाँ पर उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024-25 के रिगार्डिंग। काफ़ी लोग जो है पूछ रहे थे भाई कब आएगा इसका फॉर्म नेक्स्ट वाला जो है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा 24 के ही अभी वेटिंग लिस्ट आ रही थी। और यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ, प्राइमरी लेवल शिक्षक का भर्ती देना है आपको और डीएलएड करना ही करना पड़ेगा उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पर आप बीएड और एनएस वाले बाहर हो चुके हैं। ऐसे में 100% आपकी गारंटी हो जाएगी कि अगर उत्तराखंड से डीएलएड करोगे तो आप जो है 100% नौकरी पा सकते हो जब भी आपकी भर्ती आती है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी हम जानेंगे। आज कई लोग पूछ रहे थे कि भाई जो अभी नेक्स्ट वाले जो भर्ती, मतलब इस साल का जो फॉर्म निकलेगा कब तक निकलने वाला है, परीक्षा कब तक होंगी। पिछली बार मार्च में निकल गया था आपका और मई में इसका परीक्षा रखी गई थी। पिछली बार काउंसलिंग आपके जून से शुरू हो चुके थे। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार के अकॉर्डिंग, अगर बात करूँ मैं, पिछले बार का जो वेटिंग लिस्ट है अभी पिछले जनवरी फरवरी में ही निकाले गए हैं जिन लोगों को वेटिंग भरनी थी। इस साल थोड़ा सा सेशन थोड़ा लेट हो जाएगा आपका और इसी वजह से अभी मार्च में फॉर्म नहीं निकले हैं। हो सकता है कि आपके अप्रैल में फॉर्म निकले। कई लोग पूछ रहे हैं भाई कब निकलेंगे फॉर्म। अप्रैल में निकलने की संभावना है डीएलएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म, और वही मई जून तक परीक्षा आपकी हो सकती है इस साल का भी। थोड़ा सा एक आध महीना लेट चल सकता है इस साल, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ ना, क्योंकि डीएलएड वाले ने इतने लोगों ने छोड़े, हर एक जिले में 13 जिले हैं, 13 जिलों में लगभग लगभग आपके 50 सीटें होती हैं हर एक जनपद में। यानी कि टोटल बात करूँ 53-65, तो 650 सीटें आपकी रहती हैं पूरे उत्तराखंड में। उन 50ों में सिर्फ 20-25 लोग ही ऐसे होते हैं जो एक जनपद में भरते हैं, और कई जनपद में 30-40 हो ही जाते हैं, 50 तो फुल होते भी नहीं है। तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ी उत्तराखंड शिक्षा विभाग को यहाँ पर डीएलएड के रिगार्डिंग। अभी फरवरी तक ही इनका वेटिंग लिस्ट आ रहा था, तो इसी वजह से सेशन इनका लेट चले गया है। तो अब आपको इस साल थोड़ा सा लेट करने को मिलेगा। पिछली बार जैसे मार्च में फॉर्म निकले थे, मई में पेपर हुआ था, हो सकता है कि एक आध महीना थोड़ा वेट करना पड़े, यानी कि आपका प्रोसेसिंग थोड़ा सा लेट चल सकता है इस साल का। ठीक है, अगर आपने मन बना ही लिया है कि भाई प्राइमरी लेवल से बनना है, डीलेट करना ही है, तो आपको 100% जॉब मिल सकती है। तो आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है इस साल का, क्योंकि इनका जो सेशन है ना बहुत स्लो चल रखा है, और एक सेशन इनका जून में समाप्त तो होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग 2-3 सेशन इनके चले गए, क्योंकि हर साल करवा रहे हैं आजकल यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि इस साल का जो सेशन था वो लेट चला हुआ था, तो इस वजह से आपका जो आने वाले भर्ती का फॉर्म, मतलब ये डीएलएड प्रवेश परीक्षा के जो फॉर्म होंगे वो इस साल आपको लेट ही देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट है जो लोग पूछ रहे थे, और बाकी गारंटी तो आपको बता ही दिया मैंने कि भाई डीएलएड करोगे तो 100% लगना ही लगना है, और नियमावली में संशोधन करने वाले हैं शिक्षा विभाग में, और बीएड और एनएस को हटाने वाले हैं वहाँ से, क्योंकि एनएस वाले तो पहले भी वहाँ पर एलिजिबल नहीं रखे गए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने एलिजिबल कर दिया था। और इस वजह से अब बीएड वाले की जो बाध्यता थी वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है, तो उसमें भी चेंज करने वाले हैं शिक्षा विभाग के। यहाँ पर विभाग वाले या शिक्षा कैबिनेट में एक बैठक आएगा, बैठक फैसला आएगा, उस पर चेंज हो सकता है। और बाकी ये इन्फॉर्मेशन है, और इसके लिए आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसमें अगर आप लोग प्रवेश परीक्षा देने देते हैं तो आपको यहाँ 4 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। इंग्लिश है, सॉरी इंग्लिश कह रहा हूँ, यहाँ पे मैथ रीजनिंग है, एक मैथ का आता है पोर्शन। ठीक है, जो तर्क आपके सिर्फ ओनली मैथ वाले रहता है 50 नंबर का, 50 नंबर का रीजनिंग टाइप का रहता है, 50 नंबर का आपका यहाँ पर जीएस का रहता है, और 50 नंबर का आपका सीडीपी वाला होता है, यानी कि आपका चाइल्ड साइकोलॉजी वाले जो प्रश्न होते हैं वो रहते हैं इसमें सिलेबस। ठीक है, बाकी इसमें 32 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई करते रहेंगे, और बाकी विस्तृत जानकारी अगर बात करूँ तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको क्लियर पता चल जाएगा। नहीं तो पुराना वाला नोटिस देख लेना, वहाँ पर एलिजिबिलिटी सब कुछ लिखा गया है। और इस साल का थोड़ा सा लेट ही प्रोसेस आपका होने वाला है इस भी, और इसी वजह से यहाँ पर अभी तक जो है इसका कोई नोटिस नहीं आया हुआ है, और हो सकता है कि अगले महीने देखने को मिल सकता है इसका नोटिस।